पक्का शेर भाई, वो जो सामने ना वो पेड़ के पीछे। फिर से फॉर्म में आ गई हमारी गाड़ी। तीन जगह इतनी गंदी लैंडस्लाइड मिली हमें, बावड़ों की तरह चिल्ला रहा हूँ। मेरे को थोड़ी सी सांस आई, मैं जा रहा हूँ बोटिंग करने। और चीतो वेलकम बैक टू अनदर डे लॉस विद राहुल। और अभी हम लोग ना नहाने जा रहे हैं सुबह सुबह, जस्ट आंख खुली। अगर आपने कल रात की इनकी भयंकर मस्ती नहीं देखी तो आप पहले वाली वीडियो जाके देखो। पैर ऊपर ना फंस जाए। साला जल पर देख देख। भाई यहाँ पे मतलब सारा चेकआउट चेकआउट हमने कर दिया, नहा के बहुत मजा आया सही में। मतलब अब हम जा रहे हैं ये ऊपर नैनीताल, वहाँ पे मौज मस्ती करेंगे। भैया बताएंगे कैसा लगा यहाँ पे, मजा आया नहीं आया? हमें यहाँ आके बहुत मजा लगा। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ बहुत ग्रीनरी और पीस है, और हमें भैया के साथ ही बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आज हमने सफारी, इस बार हमने सफारी में लाल पहाड़ और सूखे पहाड़ भी देखे और गीले पहाड़ भी देखे बारिशों के साथ। लेकिन जो भी है बहुत मजा आया कल रात, सबने बहुत एंजॉय किया। तो अभी जाते हैं कुछ खाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको यहाँ का नैनीताल की जर्नी। अब देखना ये कि नैनीताल में लैंडस्लाइड ना हो। पूछो भैया से, भाई साहब कोई ऐसी जगह जहाँ बारिश ना हुई हो? आज तक इतनी बारिश तो हमने कभी देखी नहीं है, मुंबई में होती है। आगे हम देखते हैं कि नैनीताल का हाल कैसा होगा, आगे की अपडेट आपको देंगे। तो अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। भैया बहुत मजा आया, मुझे इस बात है कि यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत बढ़िया थी। मतलब जो सर्विस, खाना और सब चीज़ प्रोवाइडेड थी बहुत बढ़िया, स्टाफ बहुत बढ़िया। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, आएंगे हम नेक्स्ट टाइम यहीं पे। और इतना कल का डेटा निकला है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब कल की वीडियो एडिट करने में ना मेरी भाई, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। ऐसे नहीं होता। हाँ तो ये जो माहौल है ना वैसा, ऐसे शेड शेड आ गया बादल। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, हम लोग इतना भीग लिए बारिश में, इतना भीग लिए अब सबकी ये हालत हो रखी। भाई धूप, भाई धूप, इनकी हालत ऐसे भी ये उंगलियां चिपक गई इनकी। पहाड़ी रास्ता है इधर का नैनीताल का, अभी तक तो हमें रोड ठीक मिली है, लैंडस्लाइड नहीं है। एंड वी विश की लैंडस्लाइड ना हो। झूठ बोल रहा है तो फिर भाई। अरे छोड़िए, बहुत हल्के हल्के मैं बाहर वीडियो बना रहा था भाई। दो तीन जगह इतनी गंदी लैंडस्लाइड मिली है हमें। ये तो भाई ज्यादा बोल रहे हैं, इन्हें गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती, इनको बोल रहा हूँ धीरे चला लो। पर नहीं, अभी एक से गाली भी खाई, अभी एक से गाली खाई। सामने से गाड़ी वाला आ रहा था तो ये गाली देता से, अबे उधर से गाड़ी, एक सेकंड भाई फेंक के, पहले उसकी गाली इनकी गाली से टकरा के इनकी गाली इनके मुंह पे आके लगी, फिर उसकी गाली। मौसम दिखा ले भाई, बादल टक्कर मार रहे, भाई टक्कर मार रहे बादल, ये देखो। अच्छा मुझे देख रहे हो, अभी सामने देखते हैं ना भाई साहब, बादल टक्कर मार रहे हैं जमीन पे। मतलब अब तो हम पूरा का पूरा बादलों से कवर्ड है। मतलब जो हमें लगता था ना कि हम धनौल्टी जाके प्राप्त करेंगे, हमें यही प्राप्त हो गया। प्राप्त क्या होता है? भाई जन्नत पे गई जी, जन्नत पे गई, पैसा वसूल हो गया। सामने से चल रहा है, ये लोग कोहरे से निकल के आ रहे हैं, यू कैन सी। यहाँ पे कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो सूखा हो कितने दिन से, और जो कोहरा हो रहा है ना, मतलब बवाल मजा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी डर भी लग रहा है मतलब, पर बहुत मजा आ रहा है। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताओ क्या करें। अब गोली खा भाई, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल वैम्पायर्स वाले मूवी। तो हम लोग ना अभी यहाँ एक जगह रुके हैं, और ये मतलब पूरी बादलों में ढका हुआ एक फूड वैन है भाई साहब, पूरा का पूरा कोहरे में ढका हुआ। हम लोग सोच रहे हैं यहाँ बैठे, लेकिन बारिश इतनी गजब हो रखी है, देखो इन्होंने फूड ट्रक बनाया हुआ है। ये हुई ना बात, आहा इसके अंदर आ गया मैं, ये देखो। मेरे को थोड़ी सी सांस आई, देखो ये गाड़ी गायब हो जाएगी कोहरे में।
ऑल अगी व्यू आ रहा ना यहाँ पे। जरा कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। के ऊपर इन्होंने एक जगह बना रखी है बैठने की, और हमने बात करी है तो अभी ऊपर फ्री नहीं है, तो अभी 5 मिनट में फ्री हो जाएगा। फिर तो हमें नैनीताल इसके ऊपर जाना है, अभी हम नैनीताल पहुंचे भी नहीं है और ये रास्ते का ये हाल है। एंड सी हमने खाया बर्गर और इन्होंने सबने चाउमीन ना इतनी जल्दी लप की है कि मैं उसकी ना वीडियो फोटो नहीं बना पाया। और ऊपर वाले ना भाई उतरने को तैयार ही नहीं हो रहे भाई, वो देखो उनको वेदर का ऐसा मजा आ रहा है, ऐसा मजा आ रहा है, सारे उतरने को तैयार ही नहीं हो रहे भाई। वो कह रहा ऊपर वाले बंदे ऐसे 5 बंदे, एक बर्गर ला दो, एक एक बर्गर ला दो, फिर एक बर्गर ला दो, फिर एक बर्गर ला रहा, जल्दी खाओ जल्दी जाओ यार, टाइम पास क्यों कर रहे हो, हमें बैठना ऊपर पर नहीं। तो भाई हमें ऊपर जाने की ना वैसे सीट तो मिलनी थी, बट हम नीचे से ज्यादा बढ़िया लग रहा था ये। तो भाई देखो हमें यहाँ जगह तो मिली नहीं, जगह क्या नहीं मिली है, भूख पड़ा नीचे बैठ गए सारे सारे। ये देखो उठने को तैयार नहीं भाई, क्या करें भाई, खाना खत्म हो गया भाई, बातें और वेदर इतना अच्छा हो रहा है तो कहीं जाने का दिल ही नहीं। ये हुई ना बात, तो इस बात पे प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, बाकी मैं जा रहा हूँ। हम लोग आ गए भाई नैनीताल, अभी हमारे ना पीछे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, तो आरटीपीसी रिपोर्ट चेक हुई थी। अब हम जा रहे हैं होटल देखने, बहुत मस्त वेदर और आपको दिखाते हैं। देखो भाई गाड़ी से धुआं निकल रहा है इसके। तो दिल्ली में इतनी गर्मी, इतना मतलब ह्यूमिड और ये सब, और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, मतलब ऐसा लगता है कि भाई वापस जाने का मन ही नहीं है। कुबेर सिंह हाय कर दो। तो भाई वी आर इन फ्रंट ऑफ द लेक, मेरे सामने सब दिखाऊंगा, पहले मैं रूम देख लूं बस एक बार, कैसा रूम दे रहे हैं भैया, रूम पसंद नहीं आया तो इसको कट करके सीधा आपको व्यू दिखाऊंगा। तो ये रूम है, यहाँ जरा थोड़ी सफाई वफाई सी चलती है भाई। आप देख रहे हो बादल ना टक्कर मार रहे हैं, इतना अल्टीमेट है ना, मतलब ये जो क्लाउड्स का फ्लो आ रहा है, ये जो क्लाउड्स है ना ये बूस्ट कर रहे हैं यहाँ का जितना भी जो नेचुरल ब्यूटी है। ये देखो यहाँ इतना पानी हो गया कि ये पानी ऊपर फ्लोर पे आने लगा। ये जो सामने है ना ये व्हाइट व्हाइट है नहीं, अभी अभी यहाँ सारे में बादल आए हैं, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना ये सारे बादल हैं। ये देखो ये सामने दिख रहा है आपको पहाड़, ये जो पीछे की तरफ है ये सब कवर्ड हो गया था भैंस की आगे। देखो पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा भाई, बढ़ता जा रहा है झरने के उस पे। ये अभी चढ़ाई करेंगे ना तब पता चलेगा, इन्हें वहां पे ऊपर हमारा रूम में दिखाता हूँ आपको। और ये ऊपर ना पूरा ऊपर से और नीचे तक पानी आ रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है ना ये पोर्शन, ये देखो ये वाटरफॉल यहाँ से होटल से लगते हुए आ रहा है। आफ्टर 15 मिनट्स इसका लेक का व्यू देखो भाई साहब, आप ये देखो। इज देयर हाय, व्हाट्स योर नेम? आप देख, अच्छा आप ही हो छोटी सी? हाँ, इतनी इतनी हो आप। सनी भाई कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ आके यहाँ पे? मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि बस क्या बताऊँ मैं को आपको कैसा लग रहा है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। मैं जा रहा हूँ बोटिंग करने, मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच से ना ऐसे बोट निकाल देंगे चीरते हुए। तो चलते हैं फटाक से बोटिंग करने भाई, हमें करने दो आराम, बहुत थक गया, पूरी गाड़ी में सोते हुए आएंगे। कैसा आदमी है ये। ये ना यहाँ से ना कहीं से ऊपर कार पार्क करके आया, ये कोई टॉयलेट नहीं है, ये भैया ने कार पार्क करी है, मुझे लगा टॉयलेट से निकला है। ये हमारे दिखा भी नहीं पा रहा मैं, पता नहीं ये हमारे ना होटल के पास से जा रहा है ये बोर्ड। चलिए ये देखो यार, हम लोगों ने इतनी मुश्किल से यहाँ प्लान किया कि हम लोग बाहर आएंगे अभी बोटिंग करने चलेंगे, बट यहाँ मद्दम मद्दम फिर से बरसात शुरू हो गई, क्योंकि भगवान को पता है ना हम लोग निकल रहे हैं बोटिंग करने। लुक एट दिस, ये है पूरा का पूरा नैनीताल का मॉल रोड, बहुत ही खूबसूरत, और इस मॉल रोड के पूरे साथ में ये लेक, बहुत ही खूबसूरत जगह यार, बहुत ही खूबसूरत जगह, मतलब नो डाउट अच्छी है। बारिश आई और इतनी मिनी मिनी सी बूंदे है ना, एकदम हल्की हल्की सी बूंदे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखो ये बंदा गोप्रो से खेलता रहता है, ये बंदा जो है मैं बोलता हूँ खांसना शुरू कर देता है। ये हमारे शेफ भी हैं, ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये खाना खिलाते हैं बढ़िया। ये भैया सस्ता कुबेर सिंह, ये फोटो खींचता रहता है। तुम्हें कुछ काम है कि नहीं? कुछ काम नहीं है, क्या करना? कोई मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा बट यू नो। हाँ क्या कह रहे थे भाई? मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना हो इस टी शर्ट के रिगार्डिंग, तो ऑरेंज एंड लेमन इनकी शक्ल से इस टी शर्ट बोलने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। इनकी टी शर्ट से इनकी शक्ल को मैच करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, आपको घबराहट हो जाएगी।
मुझे तो ऐसा लग रहा है ना इस टाइम कि ये जो लेक है ना, मैं जब भी देख रहा हूँ हर बार अलग ही दिख रहा है, हर बार अलग। मैं रूम में जाता हूँ, बाहर आता हूँ, ये लेक देखता हूँ तो अलग दिखता है। अभी मैं आपको अगर लेक दिखाऊंगा ना तो भाई साहब अल्टीमेट। यहाँ जो कुछ नहीं दिख रहा ना वो सारा लेक है, देखो ये सारा गायब हो चुका है। मैं थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ। ये जो रोड है ये नीचे जाने वाले की रोड है, ऊपर आने वाले की। और इतने उसमें भी ना लोग बोटिंग कर रहे हैं, ये देखो अगर आपको दिखेगा थोड़ा सा, ये पानी है और ये देखो ये बोटिंग कर रहे हैं। पूरा ढका हुआ ये, इसके पीछे पूरा पहाड़ है जैसे मैंने देखा। ऊपर जाके देखते हैं रूम पे कैसा दिखने वाला है। वैसे तो पूरा क्लाउड ही हो रखा, पूरा क्लाउड। कौन सी वाली सॉफ्टी खिला रहे हो? मशीन वाली, ओके। इन भैया को देखो, भैया दिखाने जरा, चम्मच से सारे फ्लेवर टेस्ट कर लिए इन्होंने, फिर कहते मैं नहीं खा रहा। आपकी आइसक्रीम आ गई भाई साहब। हेलो एंड सी, दिस इज माय सॉफ्टी। मैंने सोचा था ना ये वाले फ्लेवर लेंगे, लेकिन वो सॉफ्टी की मशीन अलग है, तो हमने सोचा यहाँ की स्पेशल सॉफ्टी खाएंगे जिसके ऊपर ना बारिश गिर रही है। इन्होंने पता पहले बहुत चलाकी करी, इन्होंने सारे के सारे चम्मच से फ्लेवर टेस्ट करे, फिर भैया से कहते मैं नहीं खा रहा। 250 ग्राम बंद हो। और अभी मैं ना ऊपर आया हूँ, और मैं सच्ची करूँ, मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए सब कुछ ऐसा लगता है ना सरप्राइजिंग। मतलब ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि शेड बनी हुई है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन बादल से ढक गया। और ये नीचे का पोर्शन देखो आप, ये देखो सामने जो लग रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है कहीं से ऐसे रिवर निकल के आ रही है, बट दिस इज नैनी लेक यू कैन से। ये देखो ये आसमान वाइट, और ये सारे बादल ना यहाँ से आ रहे हैं ऊपर से इस टाइम। ये जो सामने है ना, थोड़ा ऐसा ऐसा दिखता है मेरे को जैसे कि किंग कॉन्ग मूवी में लेके जाते हैं ना वो लोग अपनी बोट, और फिर वहां जाके किंग कॉन्ग मिलता है, ऐसा पहाड़ वहाड़ ये वो। और देखो लेक के साथ आपने देखो ये, ओ भाई स्लाइड मारते हुए क्या भाई, भाई इनके तो पूरे के पूरे फैमिली वाले बैठे हैं। देखो मैं ना अभी रूम पे आ गया, अगर आपको मजाक लग रहा हो मेरी बात का कि मैं बार बार ये चीज क्यों दिखा रहा हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। आप देखो मेरे रूम का डोरा, और आप ये देखो। ये मेरे रूम का डोरा, और आप देख रहे हो, आपको वो तो छोड़ो, लेक बिल्कुल सामने, लेक छोड़ो, रूम के अंदर घुसने भाई बादल, इतना गजब हिसाब हो रखा है। मैं मतलब क्या बताऊं, मैं बावड़ों की तरह चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर अपने होटल के बाहर। ये देखो भाई साहब कुछ नहीं नजर आ रहा भाई, ये देखो नीचे देखो, ये पूरा ब्लर है, पूरा ब्लर है ये पोर्शन, ये देखो। ओ माय गॉड, रूम में घुस रहे हैं ये भाई, बादल ही बादल हो रखे हैं। तो आप देख लो जो मैंने बादल अभी आपको दिखाए थे एक मिनट पहले, जस्ट एक मिनट पहले, वो बादल कहाँ गए, लेट्स सी। ये मेरी विंडो, जो रूम की विंडो है उसके बाहर, एग्जैक्ट बाहर, ये पूरे में है नैनीताल की जो नैनी लेक है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने सिर्फ पहाड़ है, बादल का कोई नामो निशान ही नहीं। एंड दिस इज कैरोके, जो हम गा रहे हैं अभी रूम में बैठ के, बहुत बवाल, बहुत बवाल। और हमारी मस्ती थोड़ी अल्टीमेट होती है, तो कुछ चीजें हम बताते हैं और कुछ चीजें हम बहुत सारा बताते हैं, छुपाते कुछ भी नहीं। राहुल चौधरी के साथ अभी आपको ना मैं सबसे मस्त चीज बताता हूँ आपको, ये आवाज आ रही है पीछे देखो, छर 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 छर, Wait a minute, who are you? ऐसा लग रहा है बार बार ना कि जैसे बारिश हो रही हो, पर ये बारिश नहीं है, ये जो है ना ये पीछे से जो मैंने आपको दिखाया था ये झरना जा रहा है। ऐसी आवाज ना मनाली में आती है, मनाली में एक व्यास नदी है वो बहती है ऐसे, और पूरी रात ऐसे आवाज आती है। 7 बजे हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं नीचे का माहौल। बारिश इतनी हो रही थी कि हम बोटिंग कर ही नहीं पाए, और बोटिंग करेंगे सुबह, हमने बात कर रखी है, सुबह 7 बजे हम इनकी बोट उठाएंगे और चले जाएंगे। अगर ये हमें नहीं मिले तो हम खुद ही चप्पू चलाएंगे, कल देखी जाए। मैं मार्क जेब में रखता हूँ। नीचे ना मॉल रोड पे जो नजारा होता है ना, मतलब लाइट 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 लाइट, और उसके बाद जो क्राउड होता है बहुत बेहतरीन होता है। मैंने सुना 8:30 बजे या 8 बजे नहीं रहा, बट मॉल रोड बंद हो जाएगी तो फटाक से नहीं चलता है भाई साहब, एक्साइटमेंट इतना रहता ना मुझे ऐसी जगह पे घूमने में भाई। चला हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि अगर हम टूर अरेंज कराएंगे तो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। और अगर आप जानना चाहते हो मेरे लाइव अपडेट्स तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मेरा नाम इंस्टा पे लॉस्ट विद राहुल। और अगर हमने टूर अरेंज करा और आप एक बार हमारे साथ टूर में चले गए ना भाई साहब, जिंदगी भर आप याद रखोगे, अदरवाइज मैं कह रहा हूँ पैसे वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजाक सेट के। ये जो है नीचे ये लेक में ऊपर जो लाइट्स है उनकी रिफ्लेक्शन है, ये देखो भाई साहब। और यहाँ ना बेल की आवाज आ रही है,
मैं तो इस जगह का फैन हो गया। इस जगह पर कब बादल आते हैं कब बादल चले जाते हैं, लाइक शिमला मनाली सब जगह होता है, लेकिन ये जगह ऐसी मिली ना, ऐसे बादल आते हुई और ऐसे चले जाते हुई। भाई साहब ये देखो मोमोज देखते ही भाई पलट गए, मोमोज देखते ही पलट गए भाई, इन्हें तो धुएं उठा दे भाई, भाई ने धुएं उठा दे, देख रहे हो आग कहां है, जली को आग कहते हैं, मुझी को बंद हो गया कहते हैं। एंड यू कैन सी द रिफ्लेक्शन, ये पूरा का पूरा नीचे लेके नीचे पता नहीं क्या चमगादड़ जैसा कुछ उड़ रहा है, मैं पहले तो यहाँ से निकल ही जाता हूँ, छोड़ो। ये 2 और 7, ये 7 मेरा और ये 2 इस भाई का, इस भाई का देख लो, बेइज्जती वाली शक्लें देखो इनकी, देख कैसे मुस्कुरा रहा है, आया नहीं है मेरा। और ये देखो कितनी बुरी हार लेने के बाद मेरे से जीतने की कोशिश कर रहा है, एक पॉइंट से जैसे काम गोली करने है ये। एंड ये दूसरा गेम, इनके 3 पॉइंट मेरे 6 पॉइंट, वैसे मैंने 600 करे थे, ये देखो शक्ल देखो, जीत होती है। तो गाइस वी आर एट मॉल रोड और यहाँ पे हम लोगों ने भाई से बात करी, साइकिलिंग करनी है एक्चुअली हमें और बहुत मस्त यहाँ पे एनवायरमेंट है, सुन मिलते हैं भाई से, ओके ब्रो। Get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take. तो ये है नैनीताल में जो थोड़ा सा नीचे अंदर को आके मॉल रोड आते हैं, यहाँ है सारा सामान। एग्जैक्ट हम लोग ना अभी एग्जैक्ट हम लोग उस साइड थे रोड पे, हमारा होटल उस तरफ है कहीं पे, और हम ऐसे पूरा राउंड लेके इधर घूम के इधर साइड आए। तो गुरुद्वारा इन नैनीताल, दिस इज सो ब्यूटीफुल, श्री माँ नैना देवी मंदिर। और इसकी खासियत कुछ ऐसी है कि जब हरिद्वार में आरती होती है ना, उसी एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ पे भी आरती होती है, और इसके पीछे जो है ना वो लेक है। एंड अभी क्या है ना, 11:45 हो रखे हैं, मैं जल्दी से खाना क्योंकि 12 बजे से मेरा फास्ट है। एंड गाइस फाइनली मैं ये पनीर और फलाना खा के थक गया, दिस इज राजमा चावल रोटी एंड जस्ट टोमेटो एंड अनियन, नथिंग एल्स, बस इसको खाएंगे सो जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं सुबह का नजारा। बूम, ओ भाई यार आज अपना ना यहाँ नैनीताल में लास्ट डे है, तो अभी हम